ओके सो प्रीवियस लेक्चर में रोटेशन में हमने ऑलरेडी टॉर्क वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया हुआ था। मैं एक बार क्विक रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को, टॉर्क में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो पहले सिंपल सी बात है, हमने पहले डिस्कस किया है रोटेशन मोशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट वी डिस्कस दिस, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ द रोटेशन मोशन, ओके। देन वी डिस्कस दिस, फॉर एनी रोटेशनल मोशन दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज इम्पॉर्टेंट, ओके। और उस पर हमने बात की कि जैसे लीनियर मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन होता है, एम इन टू ए होता है, सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब फोर्स के जगह पे क्या काम करता है, टाओ। एम के जगह पे क्या काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ और ए के जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो टॉर्क को हमने पहले डिस्कस किया कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क में दो चीजें हैं, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। सो डायरेक्शन में क्या बात बताई मैंने कि राइट हैंड रूल से देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन है। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने बताया था फोर्स के इफेक्ट से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास के सेंटर के ऊपर लग रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट को ऐसे आगे की तरफ पुश कर देगा। तो आगे की तरफ अगर पुश करेगा तो ये जो सर्किल है उसमें हमें फील करना पड़ेगा कि आगे की तरफ पुश करना मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई। तो आगे की तरफ पुश करना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। क्लॉकवाइज। हाँ, तो इस तरीके से इस सेंस से हमने चेक किया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देख सकते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया हुआ था कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया कि जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर फोर्स देखना इजी हो, तो कई बार हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजीली मिल जाती है और कई क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस टफ होती है, उसके जगह पे कैसे फोर्सेस मिल जाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्सेस मिल जाते हैं इजीली। तो ये दो टाइप के, दो कैटेगरी के हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और फिर ये सारा सिनेरियो हमने देख लिया था। तो टॉर्क में मुझे लगता है सबको ओके है कि टॉर्क हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। टॉर्क के बाद हमने क्या सीखा था, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट देखा था, क्या कि हम लीनियर में इक्विलिब्रियम कैसे करते थे, ये क्लास 9th में हमने सीखा था ना, लीनियर में इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं। तो सारे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को बैलेंस करते हैं और लेफ्ट वाले फोर्स लेफ्ट राइट को, उसी तरीके से टॉर्क भी हमें बैलेंस करना होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था कि एक मीटर स्केल है वो किसी पॉइंट पे रखी हुई है तो हमें उसे कैसे बैलेंस करना है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था बैलेंसिंग का। इसमें किसी को डाउट है क्या, बैलेंसिंग के क्वेश्चन में समझ आ गया था ये, हाँ ओके गुड गुड। सिमिलर एक और क्वेश्चन हमने सेम टाइप का यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ था। चले तो आज टॉर्क हमारा हो गया था। टॉर्क में भी अभी एक चीज और, मैंने फोर्स बैलेंस नहीं किया हुआ था, तो मैं आज एग्जांपल दूंगा जिसमें हमें किसकी फोर्स बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। तो मैं आज एक एग्जांपल देता हूं जिसमें हमें फोर्स बैलेंस का भी कंपलसरली रिक्वायरमेंट है। तो देखें, सपोज एक रॉड है विच इज हैंगिंग थ्रू टू वायर्स, ओके, टू रोप्स। सो सपोज एक रोप यहाँ पर है और एक रोप यहाँ पर है, ठीक। अभी सिचुएशन है कि ये रोप यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, L/3 पे है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और मैं एक रोप लगा रहा हूँ तो कितनी टेंशन आ जाएगी इसमें, एम मास है अगर इसका, mg mg आ जाएगा, ठीक है। कुछ सोचना ही नहीं था, कैसे आया, फोर्स बैलेंस से। सोचो अगर मैं दो टेंशन ऐसे लगा देता तो फिर टी कितना आता, किसी एक वायर में टी कितना आता, mg/2। mg/2 आता, बिल्कुल सिंपल। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन दे दिया, लेंथ दे दिया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको mg/2 मिलेगा और इसको mg/2 मिलेगा, नहीं, दोनों को अलग अलग फोर्स फील होगा, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये कहने वाला हूं कि इसको मैंने दे दिया वायर नंबर वन, तो इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी, T1, और इसको बोल दिया वायर नंबर टू तो इसमें टेंशन हो गई कुछ, लेट से T2, ओके। तो ये दो सिचुएशन हो गई। अब हमें
a rod is this rod. Let's say मैं लिख देता हूँ a rod of mass m and length l is in equilibrium. Okay, so then find T1 and T2. आपको क्या बतानी है? टेंशन बतानी है दोनों T1 एंड T2. समझ आया क्या? तो अभी क्या मैं mg by 2 बोल दूंगा क्या T1 डायरेक्टली? नहीं, हमें क्या अप्लाई करना है? इक्विलिब्रियम. कौन कौन से? दो इक्विलिब्रियम, एक फोर्स और एक टॉर्क का. ठीक है. अच्छा, टॉर्क का कैसे बनाते हैं? पहले फोर्सेस का डायग्राम बना देंगे ना सारे फोर्सेस का. तो चलो डायग्राम बनाते हैं. इस पे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे T1. यहां से क्या लग रहा है? T2. और एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा? कौन सा फोर्स? mg. mg कहां पे लगेगा? वो यहाँ पे लगेगा क्या? नहीं. कहां पे? वो स्ट्रिंग जब यहाँ पे सेंटर सेंटर पे. mg कहाँ पे लगता है? हाँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कहाँ पे mg लगाते हैं? सेंटर पे. तो ये फोर्सेस हो गए. डन. ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी. तो इस क्वेश्चन पे सिर्फ लेट्स से नेम दे देते हैं. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. अभी प्रॉब्लम देखिएगा आप लोग क्या, कि हमें दोनों चीजें बैलेंस करनी होंगी क्या? फोर्स बैलेंस एंड टॉर्क बैलेंस. तो पहले बताओ फोर्स बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखते हैं? फोर्स बैलेंस बताएं, फोर्स बैलेंस कैसे करते हैं? वेरी गुड. हम चेक करते हैं कि अपवर्ड कितने फोर्सेस हैं और डाउनवर्ड कितने फोर्सेस हैं. बैलेंस करेंगे. अपवर्ड कौन कौन है? टी वन प्लस टी टू. और डाउनवर्ड कितना है? mg. तो क्या मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ क्या इसे? नहीं. कुछ तो पता होना चाहिए टी वन टी टू के बारे में. तो वो कहाँ से आएगा हमारा आइडिया? टॉर्क बैलेंस से. टॉर्क बैलेंस. अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें? ए के अबाउट, बी के अबाउट या सी के अबाउट? किसके अबाउट? बी के अबाउट. सो टॉर्क बैलेंस अबाउट पॉइंट बी. समझ आया सबको ना? तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है टॉर्क बैलेंस के लिए? क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो टी वन और टी वन की डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितनी होगी? L by 2. और ये डिस्टेंस कितनी होगी? L by 2. सोचो ये वाली L by 3 है. ठीक है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? Yes, L by 2 minus L by 3. So it will be L by 6. यार समझ आ गया ना सबको? हाँ. इसका मतलब देखो, clockwise torque will balance anti-clockwise. अब बताओ clockwise कौन दे रहा है torque? क्लॉकवाइज टॉर्क टी वन दे रहा है. सो टी वन इनटू हाउ मच डिस्टेंस? एल बाय टू इज इक्वल टू. अपोजिट टॉर्क कौन दे रहा है? टी टू इनटू एल बाय सिक्स. देखो क्या आइडिया आ गया यहाँ से, दैट टी वन इज टी टू बाय और एल से टी टू इज हाउ मच? टी टाइम्स टी वन. तो अभी समझ आया ना क्या करेंगे इस इक्वेशन को? वन पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो सॉल्विंग इक्वेशन. एग्जांपल शायद किया था हमने पिछली बार. अच्छा, किया है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ही आया था सब. ओके ओके, कोई बात नहीं, चले फिर से हो गया. नो इश्यूज. आइडिया लेकिन समझ आया ना सबको अभी? हाँ. ओके, तो अच्छा, इसके बाद मैंने एक लॉजिक बताया होगा आपको कि ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है ये. सो यहाँ पे अगर मैं टी टू रख दूंगा तो टी वन कितना आ जाएगा? एम जी बाई फोर. और टी टू आ जाएगा थ्री एम जी बाई फोर. तो टी टू को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना. तो ये एक लॉजिक यहाँ से निकल के आता है कि सपोज कोई एक हैवी सा ऑब्जेक्ट है और उसको दो लोग कैरी कर रहे हैं.
यही वाला हो चुका है क्या ये? हाँ ये बताया था। ओके सो दो पर्सन कैरी कर रहे हैं अगर एक हैवी सा ऑब्जेक्ट, तो अगर वो दोनों एकदम एंड पे हैं तो सेम वेट फील होगा। सपोज ये एम मास का है तो इसको कितना फील होगा? mg by 2। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस सेंटर पॉइंट के पास आ रहा है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है उसको। क्लियर? तो इस पर्सन का बेसिकली काम हल्का हो जाता है और इस पर्सन को बहुत ज्यादा वेट फील करना पड़ता है। तो अगर ये सेंटर पे mg है इतना, तो इसको mg by 2 से काफी कम होता है, लेस देन mg by 2, और इसको मोर देन mg by 2 फील होता है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल हमने कर लिया था, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पूरा था टॉर्क का। मुझे लगता है टॉर्क आपको सबको समझ आ गया है। ठीक है, अच्छा टॉर्क के बाद अब हम सेकंड क्या स्टडी करेंगे बताएं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, वेरी गुड। सो टॉर्क के बाद दूसरा एलिमेंट हमें पढ़ना है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी की अच्छी बात क्या है? टेंशन नहीं होती है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं ना। सो इट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है यहां पर, वो समझते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मास, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, कोई टेंशन बात नहीं है। बट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्लियर? और आइडिया क्या है? फर्दर द मास हायर द आई और मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ठीक है, मतलब मास जितना दूर रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा वो होगा। क्यों? हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, लेट से ये एक एक्सिस है, हम इसे क्या बोल रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लेट से यहां पर एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है? एम वन। तो ये डिस्टेंस कितनी है? लेट से आर वन डिस्टेंस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम वन इन टू आर वन स्क्वायर। तो फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है ना किस बात पे डिपेंड करता है ये? मास पे और डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, कि मास कितनी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? सपोज एक मास यहाँ पे रखा हुआ है m2, तो ये ज्यादा दूर है ना, तो ऑटोमेटिकली इसका मास ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्केलर क्वांटिटी है तो टेंशन भी नहीं लेना। क्या अगर मैं पूछूं कंबाइंड सिस्टम का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, बोथ द पार्टिकल्स, तो क्या होगा? एवरेज, जस्ट ऐड कर देंगे। आई क्या हो जाएगा? आई वन प्लस I2। क्यों? क्योंकि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा m1 r1 square plus m2 r2 square। अच्छा इस क्वेश्चन में तो इजी दिख रहा है, अब मैं आपसे कंपेयर करके पूछना चाहूंगा। क्या मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, देखिएगा ये, और मैं इस ट्रायंगल को, यह रुके थोड़ा सा, ट्रायंगल ऐसा ले लेते हैं,
एक ट्रायंगल को मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला हूँ, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स से इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई वन। डन। अब इसको हम उल्टा घुमा रहे हैं, अब हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, इसके अबाउट है आई टू। बताओ आई वन और आई टू में दोनों सेम मास है, सब कुछ सेम है, दोनों सेम होंगे या कोई कम ज्यादा होगा बताओ? आई टू ज्यादा। आई टू ज्यादा कैसे पता? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ से पता चली हमें, दैट आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, बिकॉज बिकॉज ये देखो ये मास जो है वो दूर ज्यादा है, जबकि यहां पर ये जो मास है वो पास में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, पास में है। समझ आया? ये क्लोजर है और ये फर्दर है। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब, हाँ। अब यार एक हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या कि क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाता है हमें, हम फील नहीं कर पाते हैं इसलिए हमें कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप समझिएगा। देखें, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें थ्री मासेज हैं, तीनों के मासेज क्या है, एम एम एम, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन ये है, फाइंड, ये भी एक एम है, ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ ऑफ थ्री पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस। ओके, नंबर वन, पासिंग फ्रॉम वन मास एंड पैरेलल टू द पैरेलल टू अपोजिट एज। बताए किस एक्सिस की बात कर रहा होगा? ये आइडिया समझ आया, क्वेश्चन समझ आया? यही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले मैं दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, फिर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे उन्हें। तो पहले बताओ, पहला वाला क्वेश्चन समझ आया सबको? क्या है क्वेश्चन कि पार्ट वो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? फ्रॉम वन मास। वन मास, और कैसी है? पैरेलल टू द अपोजिट। तो मुझे कैसी ड्रॉ करनी चाहिए, एक मास से पास हो और दूसरे के अपोजिट के पैरेलल, मतलब ये है बोल रहा है ना, समझ रहा है? अच्छा, अब गलती क्या होती है कि डिस्टेंस आप क्या लिख देते हो, एल। यार एल लिखेंगे क्या? नहीं। कौन सी डिस्टेंस लेनी होगी? परपेंडिकुलर। ये तो यार ये कैसे निकालेंगे यार इक्विलेटरल ट्रायंगल में? याद कर लो, या तो फिर फिजिक्स कंपोनेंट, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये कितनी है L, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अरे आंसर ऐसे कैसे याद कर रहे हो बार बार, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स वाले से क्या सिखाया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होता है? L sin 60। So, इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, L साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2। आपको ऑलरेडी याद है, दैट इज फाइन, नो इश्यूज। इस तरीके से लेकिन हम निकाल सकते हैं, याद भी रख सकते हो। तो ये डिस्टेंस हो गई √3L/2। अभी लगता है आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। सो लेट से चलो नेम भी दे देते हैं,
इसको नाम दे रहे हैं हम वन, इसको टू और इसको थ्री। तो बताओ पहले वन का क्या हो जाएगा, वन का, वन के लिए कोई डिस्टेंस है क्या यार, वन के लिए कोई डिस्टेंस है क्या? नहीं, जीरो, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ वन फ्रॉम एक्सिस इज जीरो, समझा ना, वो ऑन द एक्सिस है ना, तो उसकी कोई डिस्टेंस रहेगी नहीं। अच्छा, आई टू कितना हो जाएगा, एम इन टू आर स्क्वायर, और आर कितना है, रूट थ्री एल बाई प्लस, इसका भी क्या हो जाएगा, एम इन टू, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चले सॉल्व कर लेते, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा ना, बिल्कुल दोनों सेम है, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, और टू का स्क्वायर फोर, क्लियर। तो ये हो गया, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, थ्री बाई टू एम एल स्क्वायर। मैंने भी वैल्यूज नहीं दिए हैं, आप समझ गए चीजों को कि कैसे कर सकते हैं, आइडिया समझ आया प्रॉपर? ओके, तो क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कैसे घुमा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एज। चले इसके एक एज से पास हो रही है, तो फिर क्या होगा, समझ आया कैसे फिगर होगा? तो ये है फर्स्ट वाला, दो बार यानी दो पॉइंट्स का इनर्शिया जीरो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड यार, तो जब दो एक एज से जाएगा तो दो पॉइंट का इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ किसका आएगा, ये वन टू दोनों जीरो, किसका आएगा सिर्फ, थ्री, और कौन सी डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे लगता है क्लियर, ऐसा लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं बचेगी। आई इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और आई वन और आई टू क्या हो जाएंगे इस बार, जीरो जीरो, और सिर्फ आई थ्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है कितनी, रूट थ्री बाई टू एल का स्क्वायर, तो आई का आंसर क्या आ जाएगा, थ्री बाई फोर एल का स्क्वायर। यार आई निकालने में कोई डाउट हुआ किसी को, समझ आया सबको? ओके, चले थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखें, पासिंग थ्रू वन मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, समझ आया? क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आइडिया थोड़ा सा अलग आ गया है, क्लियर। क्या बोला है, प्लेन ऑफ ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, मतलब कोई बता सकता है एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है? यानी एक मास से होके इनटू द प्लेन या फिर अबव द प्लेन। ओके, मतलब इनटू द प्लेन या तो अबव द प्लेन, उसे ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो दो चीजें हैं, एक तो मेथड है ऐसे ड्रॉ करना, अगर 2D में ड्रॉ करते हैं किसी चीज को इनटू द प्लेन, और वो तो स्लैंट लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मुझे ये वाला ड्रॉ करना है, तो मैं देखें कैसे करूंगा, ये मासेस हैं, इधर मैं इनको ऐसे बना के और रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से, ओके। तो मैं कुछ ऐसी एक्सेस बना दूंगा, बट इसका मतलब ये होगा कि ये सब परपेंडिकुलर है दोनों एक्सेस, ठीक है। एक तो तरीका है इस तरीके से एक्सेस को बना देने का, ठीक।
दूसरा तरीका क्या है 3D में इसको कंसिडर कर लेने का, तो मैं दूसरा वाला फिगर आपको बता देता हूं किसको 3D में कैसे कंसिडर कर सकते हैं। देखें ये लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है अगर ऐसे बनी हुई है, और अगर यही ट्रायंगल को मैं 3D में कंसिडर करूं तो मैं इस तरीके से करूंगा, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये ट्रायंगल अभी भी इक्विलेटरल है, बट लेट से मैंने इसको 3D में बनाया हुआ है तो इसका मतलब एक्सिस कुछ इस तरीके से है, समझे? एक्सिस कैसे ऐसे है, ये ट्रायंगल को मैंने ऐसे 3D में बनाया हुआ है तो ये इसलिए आपको ऐसा दिखेगा, ये समझ आया? किसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, समझ आया? हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि एक मास का तो जीरो ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दो मासेस का क्या होगा? अगर आप 3D में फील करो तो 3D में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना, या इसे कर दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे? नहीं, 3D का मतलब ये है कि कुछ ऐसा है, रुको मैं एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड, सपोज ये टेबल है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इस टेबल पे वो प्लेन पे है वो चीज, और हमें ऐसे परपेंडिकुलर देखना है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल बना हुआ इस टेबल पे है, हमें उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ देखना है, तो कितनी डिस्टेंस दिखेगी बताएं, दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी दिखेगी अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो? हाँ, मतलब निकालेंगे कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या? तो अगर आप ये ट्रायंगल 3D में देखना चाह रहे हैं कि ये इस प्लेन पे बना है, तो कोई भी लाइन जो कॉर्नर से जा रही है उसके लिए ये डिस्टेंस तो हमेशा ये होगी ना परपेंडिकुलर एल, इसके लिए क्या रहेगी एल ही रहेगी ना। तो परपेंडिकुलर की ये खास बात है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सारी चीजें परपेंडिकुलर ही कंसिडर होंगी, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज एल, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है विच इज ऑल्सो एल, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये बताने का पर्पस ये था कि परपेंडिकुलर एक्सिस को आप थोड़ा सा अच्छे से फील करें, तो आई क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, सो टू वाला क्या हो गया जीरो, और आई वन और आई थ्री का क्या आ जाएगा एम इन टू एल स्क्वायर प्लस एम इन टू एल स्क्वायर, सो मोमेंट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा 2ml2। ओके, चले बताए, समझ आया ये पार्टिकल का सिस्टम? अब एक सिचुएशन होती है स्पेशल केस, जो प्लैनेट्स होते हैं ना, याद है मैंने आपको ग्रेविटेशन में क्लास 9th में, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्स में सारी चीजें घूम रही हैं, आपको बताया था कि इवन स्टार्स आर मूविंग, अवर सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग, ठीक, तो ऐसा क्या कैसे होता है देखें, तो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मास है, रुको नेम दे देते हैं इसको, M1 M2 कर लेते हैं, तो सपोज ये M1 मास है, अगर आज कुछ प्रॉब्लम है यार, मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है, सपोज ये M1 है,
m1 मास और ये m2 मास, ये दोनों कितने दूर पर है, r डिस्टेंस पे। तो अगर ये अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशन के वजह से रोटेट करें अगर, तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ये सोच पाना टफ है ना। क्यों, किसके अबाउट रोटेट करेंगे? अगर इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टार भी आपके ही सोलर सिस्टम में आ जाएगा ना। सपोज ये आपका सन है और पता चला एक दूसरे स्टार के साथ कॉम्बिनेशन में ये हमारे सन का सोलर सिस्टम है, तो इसका मतलब अगर ये प्लेनेट यहाँ है, सॉरी ये दूसरा स्टार यहाँ है, तो ये इसी सेम ऑर्बिट पे ही करेंगे ना। तो ऐसा नहीं होता है, मास डिपेंडेंट होता है। अगर इसका मास ज्यादा है तो किसके पास करेंगे, इसके पास कहीं पे ऑर्बिट करेंगे। तो अगर इसके पास ऑर्बिट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये अपना छोटा ऑर्बिट करेगा और ये बड़ा ऑर्बिट करेगा। तो इसलिए जो है हमें ये समझना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें डिस्टेंस दी है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर बोल रहा है कि ऐसे घूम रहे हैं, नहीं पता किसके अबाउट घूम रहे हैं, तो किसके अबाउट घूमते हैं अपने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब वो किसके तरफ होगा, जो मास हैवी होगा उसके तरफ होगा। तो मान लेते हैं कि ये इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसके अबाउट रोटेट करेंगे। डन। सो क्या होगा, टू पार्टिकल्स फ्री टू रिवॉल्व और फ्री टू रोटेट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू थ्रू दियर सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई बताएगा? सेंटर ऑफ मास किसी को पता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कुछ भी, क्या आइडिया लग रहा है कि क्या होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब जहाँ पे सारा मास यानी लाइक वो वहाँ पे कंसंट्रेटेड। ओके ठीक है, और कोई डेफिनेशन? ये क्या है, एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन मतलब ये है कि जहां पर उसका मास कंसंट्रेटेड फील हो रहा है, तो यार ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसका मास यहाँ पर है, इसका मास यहाँ पर है, तो इसका अपना मास है, इसका अपना मास है। ये थोड़े ना है कि इनका मास यहाँ पर आ जाएगा, नहीं। ये किसी सॉल्विंग पर्पस को लेके बनी हुई है चीजें। क्या? कि सेंटर ऑफ मास मतलब ये कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने बताया कि यार फोर्स लगाओ। अब बताया कि फोर्स लगाने पे कि ये सीधे मूव होगा या रोटेट हो जाएगा, तो कैसे पता चलता है? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं फील कर सकता हूं कि इसका पूरा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड फील होगा। तभी तो अगर हमने फोर्स ऊपर लगा दिया तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मूविंग ये क्या हो जाएगा, रोटेट भी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट है जिसके अबाउट फीलिंग आएगी कि इसका पूरा मास, इन दोनों को हटा के एक मास यहाँ पे रख दो, तो सेम एफ इज इक्वल टू एम ए और ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या नहीं पता, ये नहीं पता ना, और ये भी नहीं पता। मान लेते हैं ये क्या है, R1 और ये R2। R1 R2 पता है क्या? नहीं, नहीं पता। तो अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो आंसर आता है वो आता है M1 M2 by M1 plus M2 into R square। समझ आया, याद रहेगा ये? सर ये M1 M2 by M1 plus M2 इनका सेंटर ऑफ मास होता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये दो सिस्टम का रिड्यूस्ड लॉजिक है, आय निकालने में काम आता है। इनका सेंटर ऑफ मास अलग होता है। चलो चाहिए तो ये भी लिख देता हूँ। अगर मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मुझे क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
लेट से मुझे कहाँ से चाहिए, M1 वाले से चाहिए, तो M1 वाले से कितनी है पोजीशन, R1, तो R1 का आंसर आएगा M2 by M1 plus M2 into R, समझ आया? और R2 क्या हो जाएगा बताओ, अब R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस ठीक है। तो इस तरीके से R1 R2 रख के जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, बस ये और कुछ मतलब नहीं है इसका। डन। तो यहां तक मोमेंट ऑफ एनर्जी समझ आया क्या सबको पार्टिकल्स का? सर या सर, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में वो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था, वहां पर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हुआ तो हम कैसे सॉल्व करें? तो फिर यार एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आपको बेसिक मैथ यूज करना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो देगा कि लेट से इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी है 10 सेंटीमीटर और इसकी है कुछ 15 सेंटीमीटर, लेट से एंगल है ये 30 डिग्री, तो थोड़ा सा मैथ लगाएंगे ऐसे करके और सॉल्व करेंगे बेसिकली। मतलब वो एंगल देंगे? हाँ एंगल देगा, नहीं तो फिर डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे यार। हाँ सर। तो 15 into sin 30 degree पता चल जाएगा कि perpendicular distance कितनी है। Yes. मतलब basically question में देगा। Next lecture में मैं question solving भी और separate करवा दूंगा, तो वो थोड़ा आपको idea लग जाएगा कि कैसे कैसे question रहेंगे। अच्छा ये तो था जब हमें particle का पूछेगा moment of inertia, ये कब का है? Particle का पूछेगा। अगर ऑब्जेक्ट लोगों का पूछ लिया तो ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पार्टिकल है ना, टेंशन हो जाएगी। क्यों? सोचो, देखना ये एक रॉड है, अब मैं रॉड को इसके अबाउट रोटेट करूंगा, तो यार अगर मैं हर एक पे एक पार्टिकल को देखूंगा तो सब पार्टिकल का आर क्या है? अलग अलग है ना, तो ऐसे कहां तक मैं करता रहूंगा? ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल एम आर स्क्वायर तो नहीं होता है, तो ऐसे टेक्निक को हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल क्या होती है, सपोज मुझे बहुत वेरिएबल चीजों को ऐड करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा ना सबका, एम वन का भी, एम टू का भी, एम थ्री का भी, लाइकवाइज पूरी रॉड का, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस सिंबल से। इसका मतलब क्या है, स्नेक बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन? आपको मैथ में पढ़ाया गया क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सो इलेवेंथ में सिखाया जाता है ये, हम यहाँ पर देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर आपने एक बार डिफरेंशिएशन सिखाया? हाँ डिफरेंशिएशन सिखाया था, डिफरेंशिएशन नाइन्थ में सिखाया था क्योंकि जरूरत पड़ती है। तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, बट अभी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे हम, लर्न कर लेंगे। ठीक है, सॉल्विंग मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको लर्न करा दूंगा कि कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने के बाद। ओके अच्छा अच्छा ये बताओ, मैं दो एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। नंबर फर्स्ट, ये रॉड है, अब मैंने ये बताया कि इसका M1 M2 से तो काम नहीं आएगा, बट ये रॉड का मैंने दो एक्सिस के अबाउट पूछा आपसे, एक एज के अबाउट और एक बीच वाले के अबाउट, किसके अबाउट ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पक्का फर्स्ट वाले का? क्यों? क्योंकि मास क्या है वहां पर, मास एक्सिस से क्या है, दूर है, L डिस्टेंस पे, जबकि यहाँ पे मास कितना है सिर्फ L by 2। ठीक है, तो ये एक रॉड है, रॉड M कॉमा L की, मास M है और लेंथ L है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, ML स्क्वायर बाई 3, और इसके अबाउट काफी कम होता है, ये होता है ML स्क्वायर बाई 12। यार बताएं, याद रहेंगी दोनों वैल्यूज?
ठीक है ओके गुड। तो हमें ऐसे चार वैल्यूज हमें याद रख लेनी है जो फेमस फेमस एलिमेंट है। देख लेते हैं सेकंड रिंग, ये क्या था, फर्स्ट क्या था रॉड, फर्स्ट था रॉड, सेकंड क्या है रिंग। अच्छा रिंग मतलब क्या है, रिंग दो तरीके से, एक तो रिंग को मैं 3D में बना देता हूँ। अच्छा जब मैंने रिंग ऐसे बनाया है तब ये रिंग कैसी है, इन द प्लेन 2D में, ये रिंग कैसी है 2D में, इन द प्लेन, सो ये रिंग 2D में है। ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। अब अगर मैंने रिंग को ऐसे बना दिया तो ये रिंग कैसी है, परपेंडिकुलरली इन एंड आउट, तो ये रिंग कैसी है परपेंडिकुलर इन एंड आउट ऑफ प्लेन। तो सोचने वाली बात है कि अगर मैं एक एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और यहां पर इस एक्सिस के अबाउट पूछूं, तो दोनों में फर्क है। ये एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा, इस तरीके से, जैसे क्या करते हैं, जैसे एक सरफेस में क्वाइन घुमा देते हैं ना, क्वाइन को ऐसे पकड़ के इसके अबाउट ऐसे घुमा देते हैं ना क्वाइन को, ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला। और दूसरा क्या है, दूसरा हो गया कोई टॉप जैसे घूमता है, हाँ जैसे टॉप घूमता है, या फिर व्हील जैसे घूमता है, व्हील क्या घूमता है, व्हील अपने इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूमता है ना, क्लियर। तो ये दोनों चीजें क्या है, दिस इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लियर। और यहां पर भी एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यार फील करो यार, अब मुझे इंटीग्रेशन वाली मैथ लगानी पड़ेगी, ठीक, बट मुझे ये पता है कि इसका हर एक पार्टिकल कितनी दूर है एक्सिस से। रिंग की खास बात क्या है, हर एक पार्टिकल कितनी दूर होगा, आर। तो इसका मतलब जब सारे पार्टिकल को ऐड करोगे तो सारे पार्टिकल किस डिस्टेंस पे हैं, आर पे है ना, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, और सारे एम क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, तो मतलब टोटल एम बन जाएगा ना। फॉर्मूला क्या आएगा, MR square. ठीक है, तो ये हम डिस्क का भी याद रख सकते हैं, डिस्क का भी हमें याद रखना है, तो मैं लिख देता हूँ डिस्क का आय कितना हो जाएगा, MR square। तो अपनी एक्सिस के अबाउट भी कितना होगा, जैसे बाइक के व्हील का और ऐसा कोई सा भी रिंग एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्या होगा MR square। लेकिन अगर क्वाइन जैसे घूम रहा है, मतलब ऐसा सरफेस पे रख के आपने घुमा दिया डायमीटर के क्रॉस, तो उसके अबाउट कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ, कम होगा ना। सो जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है कितना, MR square by 2। तो आपको याद रखना है कि डायमीटर के अबाउट कितना होता है, MR square by 2, ठीक है, डायमीटर के अबाउट, और एक्सिस के अबाउट MR। सर या सर, अगर ऐसे कोई हमने इसमें कॉइन ले लिया और उसे एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, तो फिर उसमें तो हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस में होगा, तो किसमें, तभी तो बोल रहे हैं ना, तभी सॉल्व करते हैं, फिर उसका मतलब उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, और आंसर क्या आता है, MR square by 2। मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू है बता रहा हूँ क्या आता है सॉल्व करके। नहीं यानी हमने उसे एक्सिस के परपेंडिकुलर घुमाया, मतलब ये रिंग 3D में रखा और इसके अबाउट घुमा रहे है ना, हाँ। तो इसके अबाउट तो हर एक पार्टिकल आर पर है ना, लेकिन वो कॉइन पूरी भरी हुई है ना, तो फिर उसके यानी आर से भी कम डिस्टेंस पे भी होंगे ना पार्टिकल, कहाँ होंगे यार, 3D में रखा हुआ है, मतलब ऐसे देखो 2D में वो एक्सिस इनटू द प्लेन जा रही है ऐसे,
तो हर एक पार्टिकल आर पर होगा ना, देखो भाई सारे पार्टिकल आर डिस्टेंस पे होंगे, समझा? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें भाई। चले नेक्स्ट डिस्क को देख लेते हैं। सो रिंग डिस्क मतलब क्या है, रिंग का पूरा फील्ड फॉर्मेट, अगर उसको डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा? ये डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं, अगर रिंग को ऐसा 3D पे घुमा रहे डिस्क को तो डिस्क को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये बताओ डिस्क का रिंग से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, डिस्क का ज्यादा होगा। हाँ। डिस्क अगर 1 kg की है तो क्या पूरा मास दूर है क्या? नहीं, नहीं, कुछ मास कहाँ है, एक्सिस के पास में है ना। हाँ। ये पूरी फील्ड है तो ये एक्सिस के पास में है ना ये मास, ठीक है। तो यानी हम डिस्क और मास, डिस्क और रिंग का मास सेम ले रहे हैं। हाँ मास सेम ले रहे हैं बेटा, दोनों का मास एम कॉमा आर ले रहे हैं, दोनों को हम कैसा कंसिडर कर रहे हैं, एम कॉमा। तो फिर रिंग का ज्यादा होगा, तो रिंग का ज्यादा होगा, ठीक है। सो आई कंसिडर इट कि रिंग का ज्यादा होगा। ओके जस्ट अ मिनट, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी वो याद रखनी है, रिंग से कम रहेगी इसकी वैल्यू हो जाती है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक। इसका डायमीटर के अबाउट और कम होगा, उसका आता है एम आर स्क्वायर बाई फोर। ओके जस्ट अ मिनट, होल्ड एवरीवन। तो ये दोनों क्लियर हुए सबको? हाँ, लास्ट है फोर्थ, क्या स्फीयर का। अच्छा स्फीयर दो टाइप के होंगे, हॉलो और सॉलिड, किसका ज्यादा होगा अगर मैं सेम मास ले लूं तो? हॉलो, हॉलो का। सबको समझ आ गया ना, हॉलो स्फीयर और एक होगा सॉलिड स्फीयर। So, हमें पता है कि सॉलिड में मास काफी सारा एक्सिस के पास भी रहेगा जबकि हॉलो में नहीं। अच्छा इसमें डायमीटर वाली कोई बात आएगी क्या हॉलो में, क्योंकि उसका सेंटर से पास होना मतलब वो डायमीटर वाली ही है, समझे आप? हाँ, सो हॉलो स्फीयर में वही बात होगी और सॉलिड स्फीयर में वही बात होगी, तो इनके सिर्फ एक एक ही याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्सिस है वो बीच में से ऐसे पास ही होगी, उसमें डायमीटर जैसी कोई बात नहीं है, मतलब मेन एक्सिस टाइप में। तो हॉलो का आंसर ज्यादा होता है, हमें याद रखना है I इज इक्वल टू होता है 2/3 एम आर स्क्वायर और सॉलिड का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इतने आपको मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या रखने हैं, याद रखने हैं। समझ आया? Yes, sir. अच्छा तो यहां तक हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लेने हैं, ठीक। अच्छा अब एक स्पेशल पॉइंट होता है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या होती है, ये होती है अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करना है, कभी काम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट शिफ्टेड एक्सिस। मतलब देखेंगे, देखें सपोज ये रॉड है तो रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का कितना था, याद है क्या? ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और मुझे इसे शिफ्ट करके कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है, एज।
याद है कितना होता है एच के अबाउट? ml स्क्वायर बाय 4 3। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है, हम पैरेलल एक्सिस का यूज कर सकते हैं क्या? इफ आई नो आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, और लेट से दिस इज आई डैश, सो द फॉर्मूला इज आई डैश इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड शिफ्टेड फॉर्मूला, शिफ्टिंग फॉर्मूला। क्या है ये डी, क्या है यहां पर डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम एक्सिस फ्रॉम एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, क्लियर, समझ आया? तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए डी कितना हो जाएगा, L by 2। तो अगर मुझे आई डैश निकालना है तो देखना आंसर क्या आएगा, आएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू कितना L by 2 का स्क्वायर, समझ आ गया क्या सबको? तो क्या आंसर आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, सॉल्व कर दो आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। चले सॉल्व कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3 किया सो कितना आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा ना, सो 12 एलसीएम ले लिया, ये क्या आ गया 1 + 3, टोटल कितना आ गया 4 ml², सो फाइनली आंसर आएगा ml² / 3, क्लियर। तो यही तो हमने याद किया था ना स्टार्टिंग में, तो आप याद भी रख सकते हैं या एग्जाम में सॉल्विंग भी सीख सकते हैं। देखें क्यों याद सारी चीजें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैंने रिंग का आपको बताया, बट आप रिंग में सारा कुछ याद नहीं रख सकते ना, क्यों? सपोज आपको मैंने दिया है कि रिंग आप एक्सिस के अबाउट घुमाने वाले हो, ठीक है, इसके अबाउट क्या होता है रिंग का mr², लेकिन आप रिंग को एज अ की रिंग घुमा रहे हो, की रिंग देखा है ना आपने, की रिंग को ऐसे फिंगर रख के, यहाँ पे फिंगर रख के ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो कीरिंग आप कैसे घुमाते हैं, कीरिंग सेंटर के अबाउट थोड़े ना कभी घुमाते हैं, कीरिंग ऐसे घुमाते हैं फिंगर रख के यहाँ पर, ओके? तो इफ लेट्स से कंसीडर इट एज अ कीरिंग और उसको हम इस तरह घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, सो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करना है। सो आई गेस आपको आइडिया आ गया कि कितना आंसर है, यस वेरी गुड, सो आंसर क्या हो जाएगा, आई डैश इज ठीक है, तो इसलिए मेन मेन जो याद करनी है वो मैंने ऊपर लिख दी है, बाकी सारी आपको सॉल्व करनी है, तो मैं भी कुछ एग्जांपल और देता जा रहा हूँ, ओके डोंट वरी। अभी देखें, सपोज रिंग ऐसे है, नाउ यू नीड टू फाइंड अबाउट दिस, सो ये क्या है, ये याद रखें एक्सिस, दिस एक्सिस इज इन द प्लेन, ये एक्सिस कहाँ है, इस प्लेन में है, और लेट से ये क्या है डिस्क है, ये क्या है डिस्क है एम कॉमा आर की, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कौन सा हमें याद रहना चाहिए था, mr² / 4, यस वेरी गुड वेरी गुड, सो आई सेंटर ऑफ मास हमें याद रहना चाहिए था, फिर हम ये आई डैश निकालेंगे, तो बहुत ही अच्छे, अगर आपको याद है तो आई डैश इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, फॉर दिस गिवन क्वेश्चन अगर ये डिस्क है तो कितना है उसका mr² बाई 4 प्लस डिस्टेंस कितनी है mr² सो कितना आ जाएगा 5 mr² / 4 बाई 4,
सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको आ गया ये समझ में कि डिफरेंट एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं। बताए पैरेलल एक्सिस में किसी को कोई डाउट? ओके गुड गुड। सोचो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तब क्या करते हैं? तब सबका उस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। समझ आया? ओके तो चले देख लेते हैं। मैं ऑब्जेक्ट्स का डिस्कस कर लेता हूँ। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट में हम रख देते हैं यहाँ पर दो स्फीयर्स रख देते हैं। ये दो सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है, और उसका इस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए। ये दो सॉलिड स्फीयर्स हैं और इनका एक्स के अबाउट चाहिए। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर, और इसका मास है m, रेडियस है r। तो क्या होगा? क्या हमें सॉलिड स्फीयर के एज के अबाउट आंसर याद है क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ इन दोनों का आंसर सिमिलर होगा इस एक्सिस के अबाउट या अलग होगा? सिमिलर होगा। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना, क्या आई विल बी टू टाइम्स ऑफ लेट से आई डैश। अच्छा आई डैश कैसे निकालते हैं? आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इन टू डी स्क्वायर। ओके हाँ, सो इसका मतलब सिचुएशन क्या हो गई? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है इसका? 2/3 mm, 2/5 mm। वेरी गुड वेरी गुड। सॉलिड है सो कितना होता है सॉलिड? 2/5 mm². वेरी गुड, इट इज 2/5 mm². गुड, सो ये हो गया अपना 2/5 mm² प्लस ये हो गया अपना शिफ्टिंग कितनी है mr² की। सो कितना हुआ? 7/5। सो ओवरऑल सॉल्विंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14/5 mr². सो मुझे लगता है कि अभी आप समझ गए हैं, आप ऑब्जेक्ट के बारे में भी सीख गए। क्लियर? ओके गुड। तो फिर मैं अभी और फर्दर एग्जांपल और ऐड कर देता हूं। सपोज मैं एक रॉड स्केच बना रहा हूं, ओके थोड़ा सा गड़बड़ है, सबका लेंथ एल ही है, ठीक है, वो फिगर में नहीं दिख रहा है ऐसा, तो थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं। ओके इसका इस एक्सिस के अबाउट बताना है। कितनी रॉड्स हैं? 3 रॉड है, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई मतलब I1 + I2 + I3। सबसे सिंपल बताता हूं, पहले बताओ I2 कितना होगा? सबसे सिंपल कुछ शिफ्ट करना है या डायरेक्ट दिख रहा है? 12 नहीं, 12 सेंटर के अबाउट होता है, एज के अबाउट क्या होता है? 3/3। सो ये तो कंफर्म है ml² / 3, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। 1 का क्या होगा? 0। 0 क्या सबको दिख रहा है? 0 होगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सिस एक्सिस पे डिस्टेंस नहीं है। अब थॉट है इसका I3, I3 बताओ, I3 मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा ना, इसका ये वाली एक्सिस में शिफ्ट करोगी ना, तभी तो पैरेलल होगी ना। इस बार I सेंटर ऑफ मास कितना है I3 का? 0। ठीक है, अभी मैं इसका एक दूसरा वर्जन दूंगा तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा तो ये कंफर्म हुआ कि I सेंटर ऑफ मास फॉर I3 प्लस m into d², ये करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो आंसर देखें क्या हो जाएगा, ml² / 3 प्लस I सेंटर ऑफ मास 0 प्लस m into l² होगा। सो आंसर कितना आ जाएगा? 4 ml² / 3। तो ये तो समझ में आया ना सबको शिफ्टिंग, पैरेलल कौन सा लेना है।
अब सेम एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से देता हूं, देखें सेम एग्जांपल। अभी एच को हमने रख दिया 3D में, ऐसा समझ आया क्या? ये एच कैसा रखा हुआ है 3D में, और थोड़ा सा स्लैंट कर लेते हैं, बेटर फील रहेगा। ठीक है, एच को हमने और ज्यादा स्लैंट कर लिया जिससे आपको दिखे कि एच जो है 3D में है। ओके, और इस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए, समझ आया? ये एक्सिस क्या है? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एच, समझा? चले, तो इसका मतलब अब देख लेते हैं, अब पता चल जाएगा कि किसे किसे समझ में आ गया। ये है नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। चले तो निकालना स्टार्ट करते, पहले आया सिंपल वर्ड्स में, आई क्या हो जाएगा? I1 प्लस प्लस I3। अब बताओ I1 कितना होगा? वेरी गुड, वन वाली रॉड अपने सेंटर के अबाउट फील करेगी ना, क्या होगा? ML² / 12। बहुत अच्छे यार, बहुत ही अच्छे। फिर टू वाली रॉड किसके अबाउट घूम रही है? अपने ML² / 3 प्लस, क्या 3 वाली पास में है क्या एक्सिस के? नहीं, शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो बताओ हमारी रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल में कौन सी एक्सिस होगी? क्या ये पैरेलल होगी क्या? नहीं, उसकी सेंटर वाली पैरेलल, उसके सेंटर वाली पैरेलल होगी। वेरी गुड, तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड एक्सिस, ये होगा आई सेंटर ऑफ मास। और कितना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई सेंटर ऑफ मास? ML² / 12। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये है कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द प्लेन ऑफ एच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम शिफ्टिंग कर लेंगे। तो ये अपना क्लियर हो गया, आई सेंटर ऑफ मास प्लस ML² / 2 D² तो ये दोनों अभी सॉल्व कर लेंगे अपन, थोड़ा रुक जाते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ML² / 3 प्लस ये हो जाएगा ML² / 12 प्ललस शिफ्टिंग हो जाएगी ML² / L² की, समझा सबको? हाँ। तो अभी एक साथ ऐड कर दे सब, कैल्शियम क्या आने वाला है 12, ऐड करें 1 + 4 + 1 + 12, क्लियर? सो कितना आ जाएगा? 18 आएगा, सो कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/3/2। तो यार समझ आया सबको पक्का? ये बताओ पक्का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसा रैंडम सा निकाल लोगे ना? ओके ठीक है, कोई और एग्जांपल दो या फाइन ओवर हो गया, कंफर्म हो गया सबको? कंफर्म। ओके ठीक है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकली हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकता है, डिफरेंट टाइप के प्लेट्स रख देता है। ठीक है, अच्छा मैंने बताने में एक मिस कर दिया, प्लेट का मिस कर दिया आपको, प्लेट का नहीं बताया ना, डिस्क और रिंग का बताया हुआ है। देखें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, किसका? प्लेट का, स्क्वायर प्लेट, प्लेट का। तो स्क्वायर प्लेट के 2-3 चीजें हैं। अगर आप स्क्वायर प्लेट को ऐसे घुमाओगे, किसके अबाउट? एज के अबाउट प्लेन में ऐसे ही घुमाने वाले हो, तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल रॉड जैसी फीलिंग देने वाली है? सिर्फ इसका मास थोड़ा बढ़ गया ना, नीचे तक आ गया मास, बाकी फीलिंग तो ये पूरी कैसी देगा? रॉड के जैसा देगा। तो समझ जाओ आंसर क्या आएगा, आएगा
क्या आएगा अगर मान लेते हैं इस स्क्वायर का स्क्वायर बाय थ्री या टाइम्स स्क्वायर में जनरली लेंथ के जगह क्या देते हैं ए देते हैं साइड ए बोल देते हैं सो क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय थ्री कोई डाउट क्या किसी को नो सर ओके गुड तो यार मुझे लगता है आप लोग समझ गए बस इतना ही आएगा क्या ये बस इतना ही आएगा मतलब समझा नहीं सर यानी उसमें कुछ ऐड या फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नहीं 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 वही मैं बताना चाह रहा हूँ चलो अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं देखें सपोज ये एक छोटी सी रॉड थी इसका आंसर क्या आएगा स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर बाई थ्री हाँ एक और छोटी सी रॉड मैंने नीचे लगा दी जस्ट अ मिनट एक और रॉड लगाई तो इसका भी हम यूज करोगे रहेगा तो एल स्क्वायर बाई थ्री ना फिर एक और रॉड लगा दी तो उसका भी हम यूज करोगे तो बेसिकली सबका मिला के टोटल एम दिया होता है ना प्लेट का मास मतलब तो ये तो रिंग टाइप वाला क्वेश्चन ही हुआ ना कि सारे लोग सेम डिस्टेंस पे हैं तो ये बहुत सारी रॉड्स हैं वो सिमिलर हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर है ये यस ओके या जस्ट मिनट ओके अब अगर मैं बीच वाले एक्सिस के अबाउट पूछूं तो क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व हाँ कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व ओके सो अगर हम रॉड ले लेते इसको इस तरीके से ले लेते हैं स्क्वायर को और बीच वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं इसके अबाउट तो इसके अबाउट आए क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व ठीक अच्छा यहाँ तक ओके था अब सोचो हम स्क्वायर को थ्री डी में ले लें चलो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी अभी तक मैंने बताया है टू डी थ्री डी उस नॉलेज को सोच करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए अगर मैंने ऐसे स्क्वायर प्लेट को थ्री डी में ले लिया और एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट पहले तो ज्यादा होगा या कम होगा नहीं कम होगा कम होगा अच्छा इस बार इस केस में सारे जो है पूरी प्लेट कितने डिस्टेंस पर है पूरे ये सारे कितनी दूर हैं एल बाई टू जब बीच में रख दोगे तो सिर्फ ये पोर्शन एल बाई टू होगा ना बाकी सारे तो ज्यादा होंगे ना मतलब एल नहीं सर, लेकिन वो एम ए स्क्वायर बाई थ्री से तो कम ही होगा ना एम ए स्क्वायर बाई थ्री से तो कम होगा ठीक है एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व से कोई चीज याद नहीं आ रही जो मैंने ऐसे डायमीटर बताई हो और एक्सिस बताई हो परपेंडिकुलर रिंग और डिस्क बताया था ना रिंग तो उससे कंपेयर करो इसका ज्यादा होगा कितना होता है जस्ट डबल आता है एम ए स्क्वायर बाई सिक्स आता है इसका ठीक है हाँ जैसे रिंग में होता है ना रिंग में डिस्क में उनकी मेन एक्सिस का डायमीटर वाले के अबाउट कितना होता है डबल होता है हमेशा ठीक है यह बोल तो डायमीटर वाला हाफ होता है तो वैसे ही इसमें होता है एक्सिस वाले का डायमीटर वाला अपना हाफ होता है ठीक है अच्छा स्क्वायर की एक और अच्छी बात स्क्वायर सिमेट्रिक ज्योमेट्री है और इतनी अच्छी सिमेट्रिक है कि स्क्वायर को कैसे भी कट करो कैसे मतलब सेंटर से पास होना चाहिए ऐसा रैंडम भी नहीं कैसे भी करो ये या फिर ये या फिर ये
या फिर ये, कोई सी भी रैंडम भी इवेंट कट करो तब भी क्या आंसर आएगा? सेम। कितना आएगा? m² / 12। तो अगर मैं लिख दूं कि बहुत सारी एक्सेसेस हैं, लेट्स से ये इसके अबाउट है i1, इसके अबाउट है i2, इसके अबाउट है i3, इसके अबाउट है i4, तो कोई सी भी एक्सेस ले लो सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं, एकदम सेम होती हैं, होती हैं m² / 12। ठीक है सर? ऐसा परपेंडिकुलर में नहीं, नहीं परपेंडिकुलर नहीं, ऑन द प्लेन है ये सारी, ये सारी कैसी हैं? ऑन द प्लेन। तो परपेंडिकुलर का तो उससे ज्यादा ही रहेगा, वो वही रहेगा m² / 6। अब देखो स्क्वायर प्लेट से अब हमें आइडिया आ जाना चाहिए कि किसका आंसर कैसे रहने वाला है। जैसे सपोज मैं आपको बोल दूं एक हॉलो सिलेंडर, ये है हॉलो सिलेंडर, ओके, तो इसके अबाउट क्या आंसर आएगा बताएं? हॉलो सिलेंडर मतलब किसके जैसा बिहेव करेगा? रिंग के जैसा। रिंग के जैसा। इसकी लेंथ का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने पूरे सिलेंडर का मास दिया है तो आंसर क्या आएगा? m² / 12। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर, आप समझ गए, अगर सॉलिड सिलेंडर ले लिया हुआ है तो उसके अबाउट क्या आएगा? एग्जैक्टली, गुड। तो इसका मतलब अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो आप समझ गए, उसके अबाउट क्या रहेगा? m² / 2। एज अ डिस्क टाइप वो बिहेव करेगा वहां पर। ठीक है, तो ये आइडिया सबको समझ आ गया यहाँ पर? यस सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एक्सेसेस में और मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप से कैटेगरीज से आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया? पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया? टॉर्क। दूसरे में हमने कवर किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखेंगे, अगर वो घूमने वाला ऑब्जेक्ट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखेंगे। अब थर्ड में क्या हम देखेंगे? सीधा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इन सबको कंबाइन करके दोनों को कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो चाहिए तो मैं अभी एक एग्जांपल करा ही देता हूं, यहां पर स्टार्ट कर ही देते हैं। क्या टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या हो जाएगा? अच्छा, टाउ का यूनिट क्या होगा? मैंने लिखा दिया था ऑलरेडी, वैसे यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और आय का यूनिट क्या होगा? अरे फॉर्मूला m² / r² टाइप है ना, मतलब kg/m². और अल्फा का यूनिट सबसे अलग है क्या? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो एग्जांपल एकदम सिंपल वे पे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक रॉड है, ऐसे पिन करके छोड़ दी हुई है, ठीक है, सो क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन लेफ्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो अभी दो टाइप की चीजें हैं, इधर वैल्यू दे सकता है बट मैं अभी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे कैसे ले रहा हूं? रॉड कैसी है? एम मास है और लेंथ कितनी है? एल है। तो चले सॉल्व करते हैं, अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करा दूंगा
कि किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज कर सकते हैं। देखें तो बताओ हमें इसका मतलब क्या क्या फाइंड करना है। ये रॉड है, हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? इनर्शिया। इनर्शिया तो दिख गया, उससे पहले टॉर्क कहाँ पे लगेगा? ऐसे लगेगा ना, एम जी। तो ये ऐसे इसे टॉर्क घुमा देगा, डन। तो ये क्या होगा, टॉर्क इसको यहां पर रोटेट करा देगा, ये टॉर्क यहां पर रोटेट करा देगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बताओ टाउ कितना होगा, एम जी इंटू एल बाई टू। फोर्स इंटू कितनी डिस्टेंस, एल बाई टू, ठीक है। सो एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू आई कितना होगा रॉड का, किसके अबाउट घूम रही है ये रॉड, एज के अबाउट। इस तरीके से अरेंजमेंट ही की गई है क्वेश्चन की उसे एज के अबाउट हिंज किया है। तो ये एज के अबाउट घूम रही है, क्या होता है आई एज के अबाउट, ओके, इंटू अल्फा। तो इससे क्लियर हुआ कि यार एम कैंसिल आउट हुआ, एक एल कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ जाएगा अल्फा का, 3g/2l। ठीक है, सो एल दिया होगा, जी आपको पता ही है, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो अभी के लिए ये सारी चीजें याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में इनका सबका यूज करके हम अल्फा और बाकी बातों पे डिस्कशन करेंगे। ओके हाँ, चले यार, अगर आज के लेक्चर में कुछ डाउट है तो बताओ यार, आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके आज का लेक्चर पूरा? यस सर। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा लर्निंग बेस्ड है, तो सारी चीजें याद रखनी है नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ ओके सर, चले, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। या बाय सर, थैंक यू। या बाय बाय।